दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड और कोर्स 504 505 की बहुत कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और दीपक हिमांशु चैनल को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर कोर्स 504 और 505 का शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितना भी वीडियो होगा वो आप देख लेंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपके डायरेक्टली एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से लिए गए हैं और यहां पर आप इनरोल कर सकते हैं कोर्स को, ताकि आगे जो वीडियो मिले उसमें आप जो है आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। तो अभी आपका एनआईएस डीएलएड के वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर कि कोर्स 504 और 505 का वीडियो लेक्चर हम लोग देखते हैं। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप पूरे प्लेलिस्ट का वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो कोर्स 504 का 25वां वीडियो देखेंगे, जो कि हमारा है सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम और समरूप की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, बेसिकली मैं आपको इसका जो है परिभाषा बता देता हूं। सर्वांगसम की जब आप बात करते हैं तो दो कोई ऐसा चीज जो आकार में भी सेम हो और रूप में भी सेम हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सर्वांगसम। अगर कोई दो चीज सिर्फ और सिर्फ रूप में सेम हो और आकार में सेम नहीं हो तो वो हो जाएगा आपका समरूप। मान लीजिए कि आपका कोई फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है, सेम साइज का आपका कोई दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो है, तो ये दोनों हो जाएगा सर्वांगसम। आप एक फोटो के दूसरे फोटो के ऊपर रखिएगा तो नीचे वाला ढक जाएगा पूरा पूरी, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ये हो गया सर्वांगसम। अब वही फोटो आपका है और दूसरा फोटो आपने थोड़ा सा बड़ा निकलवा लिया तो ये आपका हो जाएगा समरूप। तो ये सर्वांगसम नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक के रखने पर दूसरा नहीं ढकेगा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तो ये आपका हो जाएगा समरूप। तो सर्वांगसम को हम समरूप बोल सकते हैं क्योंकि ये समरूप का नियम भी फॉलो कर रहा है, लेकिन समरूप को सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि समरूप में हम कहते हैं क्या कि जो है वो एक छोटा या बड़ा होगा, आकार जो है यहाँ पर अलग होगा, रूप सेम हो सकता है, इसलिए सर्वांगसम यहाँ पर अलग रहेगा, जिस जो कि एक दूसरे पे ढक जाएगा तो बराबर साइज का रहेगा। और दूसरा है कि समरूप, जिसमें कि अगर हम एक दूसरे पे रखते हैं तो उसका रूप सेम है, मतलब फोटो आप ही का है दोनों, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर किताबी डिफिनेशन की तरफ चलते हैं तो दो समतल आकृति को सर्वांगसम कहते हैं यदि एक रेखित आकृति दूसरे रेखित आकृति को अध्यारोपण करने पर पूर्णतया ढक जाता है। तो जब एक दूसरे के आप रखते हैं तो वो पूरी तरीके से ढक जाए तो वो यहाँ पर सर्वांगसम कहलाता है। रेखाखंड की सर्वांगसमता अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पी क्यू और ए बी दो रेखाखंड है, अगर इन दोनों का लंबाई सेम है और ये दोनों रेखाखंड है तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। अगल बगल रखा हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए पी क्यू अगर ए बी के साइज में बराबर है, पी क्यू को उठा के आप ए बी पे रख दीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ढक जाएगा और ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, तो रेखाखंड यहाँ पर ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण की सर्वांगसमता की बात करते हैं तो दो कोण अगर आपस में समान है तो वो कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण है, रूप में तो कोण है और आकार में जो है बराबर है, दोनों कोण बराबर है तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। मेन अब यहाँ पर आता है त्रिभुज की सर्वांगसमता, जिसके कि कुछ नियम है। त्रिभुज की सर्वांगसमता में यहाँ पर आपको इस प्रकार से बताया जाएगा एस ए एस ए एस ऐसा कुछ बताया जाएगा। तो ये एस ए एस क्या है, तो मान लीजिए कि एस जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं साइड, मतलब भुजा। ए जब बोलते हैं तो मतलब एंगल, कोण, ठीक है। तो जब यहाँ पर पहला यहाँ पर जो सर्वांगसमता है त्रिभुज की वो है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो इस प्रकार का मतलब ये हुआ कि एक भुजा बराबर होगा और उसके जस्ट बाद का कोण बराबर होगा और उससे जुड़ा हुआ भुजा फिर बराबर होगा। ये तीन चीज अगर बराबर हुआ तो उसे हम लोग त्रिभुज की सर्वांगसमता बोल देंगे एस ए एस पद्धति से। यहाँ पर देखिए आप नीचे में एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, जैसे कि ए बी यहाँ पर पी क्यू के बराबर है, उसके बाद ए बी के बाद का जो जस्ट कोण है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और बी सी आपका क्यू आर के बराबर है। तो ये इस प्रकार से अगर यहाँ पर हमको मिल जाएगा तो एस मतलब ए बी, उसके बाद ए एंगल मतलब बी और उसके बाद फिर से एस मतलब बी सी, ये तीनों जो है ये तीनों के बराबर पी क्यू आर में है, तो ये हमारा एस ए एस से सर्वांगसम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो है यहाँ पर अगला है एस एस एस, मतलब तीनों भुजा, किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अगर किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो वो हमारा हो जाएगा एस 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 से सर्वांगसम, साइड 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 भुजा 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 से सर्वांगसम हो जाएगा। तीसरा जो रूल है आपका यहाँ पर ये है ए ए एस, मतलब कि
एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर होगा, दूसरा एंगल यानी कि दूसरा कोण भी इसके दूसरे कोण के बराबर होगा, और उस दोनों के बीच की भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के उस दोनों कोण के बीच की भुजा के बराबर हो तो इसको ए ए एस से सर्वांगसम बोलते हैं। अब देख सकते हैं कि त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कैसे? ए ए एस से, मतलब दो एंगल बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो ए ए एस यहां पर हो गया। चौथा अगर हम लोग यहां पर देखेंगे वो है आर एच एस। ये सिर्फ और सिर्फ आपका समकोण त्रिभुज के लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। इसमें आपका नियम है, देख लीजिए कि इसका कर्ण अगर बराबर हो, ये जो यहां पर कर्ण है जैसे कि इसका कर्ण है ए सी, दूसरे त्रिभुज का कर्ण है पी आर, ये दोनों कर्ण अगर बराबर हो और कोई दूसरा भुजा अगर बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए कि कर्ण ए सी और पी आर बराबर हो गया और दूसरा ए बी और पी क्यू बराबर हो गया, तो हम इसको आर एच एस से सर्वांगसम बोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो एसी मतलब ये कर्ण, ये एक दूसरे के कर्ण के बराबर हुआ और इसकी कोई एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर हो गई, तो ये आपका हो जाएगा आर एच एस से आपका ये सर्वांगसम हो गया। तो टोटल चार हमने देखा, पहला एस ए एस भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम था, दूसरा हमने देखा कि ये आपका भुजा 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 एस 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 से सर्वांगसम था, तीसरा हमने देखा ए ए एस यानी कि एंगल एंगल और उसके बीच का साइड, ये तीनों से बराबर था, और चौथा हम देख रहे हैं कि ये बस समकोण त्रिभुज के लिए है जो कि जिसका कर्ण दोनों त्रिभुज का बराबर हो और एक भुजा दोनों का बराबर हो दोनों में, तो ये आपका हो जाएगा आर एच एस से सर्वांगसम। आगे यहां पर हम चलते हैं सर्वांगसमता के अनुप्रयोग यहां पर लिखे हुए हैं कि जब दो त्रिभुज के दो कोण और दो भुजा को सर्वांगसम को सिद्ध करना हो तो इसमें जो है हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए कि ये रूल आपका कब काम आएगा, जब मान लीजिए कि आपको किसी कोई यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध करना हो या दो त्रिभुज के दो कोण और दो भुजा को सर्वांगसम सिद्ध करना हो तो हम त्रिभुज को सर्वांगसम एक बार सिद्ध कर देंगे, मतलब कि सब कुछ बराबर है। सर्वांगसम जब एक बार हो गया मतलब सब कुछ बराबर है, तो उसके बाद जो नियम मान लीजिए आप एस ए एस लगाए, साइड उसके बाद एंगल और साइड लगाए, ये तीनों तो आप लगा के उसको सर्वांगसम कर दिए। अब सर्वांगसम कर दिए तो उसका बाकी चीज भी तो सेम हो गया ना, तो ये सब सिद्ध करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, एक एग्जाम्पल देखिए, यहां पर यह त्रिभुज आपका बनाया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए बी सी एक त्रिभुज है, ये वाला ए बी सी एक त्रिभुज है और इधर बी सी डी एक त्रिभुज है, इस साइड एक त्रिभुज है। इसमें आपको कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ये जो कोण बी है, मतलब ये कोण जो ए बी सी कोण है, ये जो एंगल है ये बी सी डी एंगल के बराबर है, तो बताइए कि ये सर्वांगसम हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल हुए, क्योंकि बी सी जो है ये देखिए ए बी और सी डी ये दोनों बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी डी आपको एक एस मिल गया, एक भुजा बराबर मिल गया। ए बी सी कोण की अगर बात करें, मतलब कोण बी की बात करें, तो कोण बी और कोण सी आपको बराबर दिया ही हुआ है, तो एक भुजा आपको मिल गया बराबर, एक कोण मिल गया बराबर आपको। अब आपको यहां पर तीसरा भुजा देखें तो बी सी दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो यहां पर ए बी सी के लिए अगर लेंगे तो ए बी और कोण बी और बी सी, तो ये हो गया एस ए एस। इसके लिए अगर लेंगे दूसरे वाले बी सी डी के लिए तो सी डी उसके बाद कोण सी और बी सी, ये दोनों में है, इसमें भी है, तो यहां पर हो गया एस, सी डी से हो गया एस और कोण सी हो गया आपका ए और बी सी हो गया फिर से एस, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहां से इस तरीके से आपको ट्रिक लगा के सर्वांगसम कर सकते हैं, ये आपका एक एग्जांपल हुआ, मतलब एस ए एस से सर्वांगसम हुए। अब यहां पर समरूप की अगर बात करें तो यहां पर वही एग्जांपल जो अभी हमने फोटो का दिया वही एग्जांपल है कि यदि एक समतल आकृति के दो पहलू हैं आकार और रूप, यदि दोनों आकृतियों का आकार और रूप दोनों सेम हुआ तो वो सर्वांगसम हुआ, इनमें से किसी एक का अक्ष बनाकर दूसरी आकृति पर रखते हैं तो पूरी तरीके से ढक लेता है, ठीक है। तो इसी में आपको कह रहा है कि एक ही व्यक्ति का दो फोटो एक ही निगेटिव से बनाया है परंतु दोनों का आकार अलग अलग है, ठीक है, आकार अलग अलग है अर्थात समान रूप है, मतलब आदमी एक ही है लेकिन उसका फोटो का आकार अलग अलग है, तो वो समरूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये दो त्रिभुज है, दो सर्कल है, दोनों सर्कल सर्कल ही है, आकार सर्कल ही जैसा है लेकिन बड़ा छोटा है, तो ये आपका समरूप हो जाएगा, ये सर्वांगसम नहीं हो पाएगा। यही अगर दूसरा सर्कल इस सर्कल के बराबर लंबाई का हो जाए, मतलब इसका त्रिज्या बराबर हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा सर्वांगसम। वही कहता है ना कि सर्वांगसम को आप समरूप बोल सकते हैं लेकिन समरूप को आप सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। समरूप है तो दूसरा छोटा है, इसको सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर सर्वांगसम ऑलरेडी है तो उसमें तो बस उसका जो है रूप एक जैसा मांग रहा है, तो वो आप समरूप भी हो गया। तो इसी तरीके से आप यहां पर
देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप, ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भी हमने आपको कहा कि सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, परंतु समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपका यहाँ पर अगर देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लियर हो गया, सर्वांगसम और समरूप हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो परावर्तन और सममिति अगले क्लास में देखेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके मेरा प्यास, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए और शेयर करिए सबों के साथ ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।